हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय है, इसका मैं आपको लेसन देने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसे माउथ ऑर्गन पे सीख लें और आप इसे बजाएं ऑन 26 जनवरी, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त भी आने वाला है फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ आप इसे सीख के आप उस दिन बजाएं, ठीक है। तो नेशनल एंथम को मैंने फ्रेंड्स मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। आज मैं आपको पहला जो 7 लाइन्स है अपने नेशनल एंथम का उसे मैं सिखाऊंगा, और फिर नेक्स्ट जो लेसन आएगा उसमें मैं बाकी जो लाइन्स है उसको मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि एक ही लेसन में बहुत ही लंबा हो जाता है और उससे आपको सीखने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मैंने इसे दो भाग में डिवाइड किया है। आज मैं आपको पहले 7 लाइन्स सिखा दूंगा और फिर नेक्स्ट जो लेसन आएगा उसमें आपको बाकी लाइन्स सिखा दूंगा, ठीक है। तो इस गाने को सीखने के लिए आपके पास कोई भी 24 होल्स का माउथ ऑर्गन होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये ट्रेमोलो होगा तो ये चलेगा, या फिर अगर आपके पास ये टावर का अगर है, ये मेरे पास तो ये सुजुकी का है, सो 24 होल्स का ये चेंजर माउथ ऑर्गन है। यहाँ पे स्लाइडर की जरूरत नहीं होगी, ये विदाउट स्लाइडर हम लोग बजाएंगे, तो अगर आपके पास टावर का है क्रोमेटिक 24 होल्स का तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये जो 24 होल्स का ट्रेमोलो होता है फ्रेंड्स, इस पर मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको बजा के सुना देता हूँ पहला 7 लाइन्स, और फिर मैं आपको डिटेल्स में आपको लेसन दूंगा, कौन से होल में आपको फूकना है, कौन से होल में खींचना है। मैं आपको होल्स के हिसाब से भी दे दूंगा लेसन, और आपको सारे गमन स्टाइल में भी दे दूंगा, ताकि आप कोई भी माउथ ऑर्गन आपके पास हो आप इसे बजा सकें, ठीक है। तो वैसे अगर आपके पास 24 होल्स का अगर माउथ ऑर्गन है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। आज मैं फ्रेंड्स आपको ये पहला 7 लाइन सिखाता हूं, ठीक है। तो शुरू करता हूं। पहला जो लाइन है हमारे नेशनल एंथम का, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे देखिए, ये मैंने लिख दिया, ये पहला लाइन है 1, ये जन गण मन, जन आपको 9 और 10 होल में आपको बजेगा ये, ठीक है। ऊपर मैंने पी और के लिखा हुआ है, देखिए पी मतलब फूकना, के मतलब खींचना, तो जहां पे पी लिखा है वहां पे आपको फूकना है, और जहां पे के रहेगा वहां आपको खींचना है, और नीचे मैंने सारे गम फॉर्म में भी लिख दिया है। तो जन बजेगा 9 और 10 होल में, या सारे, जहां से आप सारे बजाते हैं, यानी कि 9 और 10 में आप जानते हैं आप सारे बजाते हैं, तो सारे आपको बजाना है जन साउंड निकालने के लिए। गन आपको 11 11 दोनों में पी पी फूकना है, ठीक है, तो गन निकल जाएगा जन गन, या फिर आप ग ग ग ग बजाएंगे तो ये निकल जाएगा। मन 11 11 11 11 में दोनों में आपको फूकना है, या फिर ग ग आपको बजाना है ग ग, ठीक है। तो जन गन मन मैं आपको सुनाता हूँ पहला लाइन, ठीक है, 9 10 11 11 11 11, ठीक है। ये आप पहला लाइन आप एकदम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये जब प्रैक्टिस हो जाए फ्रेंड्स, तब आप सेकेंड लाइन पे आइए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, ठीक है। फिर ये सेकेंड लाइन, अधिनायक जय हे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ अधिनायक कैसे बजेगा। 11 11 11 11 मतलब आपको 4 बार फूकना है 11 नंबर होल में, यानी कि आपको 4 बार ग ग ग ग बजाना है, ठीक है। जय हे, जय निकलेगा 10 और 11, 10 में आपको खींचना है, 11 में आपको फूकना है, यानी कि रे ग बजाना है, रे ग, और हे आपको 12 नंबर होल में खींचना है, यानी कि जहां से आप म बजाते हैं, सारे ग म पधन इसका मिडिल ऑक्टेव का, जहां आप म बजाते हैं आपको म बजाना है। तो अधिनायक जय हे, मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूं, पहला 2 लाइन, जय हे 11 11 11 अधिनायक, 10 11 जय, और हे 12 नंबर होल में आपको खींचना है, ठीक है। तो कंप्लीट लेसन मैं आपको दे रहा हूँ, होल नंबर के हिसाब से भी दे रहा हूँ और सरगम के हिसाब से भी दे रहा हूँ, ताकि आपको जो आसानी लगे आप उसे बजा सकें।
तो पहला अगर लाइन हो जाए तो आप सेकेंड लाइन को कंप्लीट करें, फिर आप थर्ड लाइन पे आ जाइए। ठीक है, ये हो गया थर्ड लाइन। भारत भाग्य विधाता, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत ग्यारह 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 फूकना है आपको, भाग्य दस 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 में आपको खींचना है, तीन बार आपको दस नंबर होल में तीन बार आपको खींचना है, और फिर विधाता आठ दस नौ आपको बजाना है। यानी कि माइनस नी लिखा हुआ यहाँ पे आप देखिए, यानी कि जहाँ से आप लोअर ऑक्टेव का नी बजाते हैं, आठ नंबर होल में आप बजाते हैं, वहाँ पे आपको खींचना है। तो विधाता निकलेगा आपको नी रे सा, माइनस नी रे सा, यानी कि लोअर ऑक्टेव का नी बजाना है, यानी कि आठ दस नौ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। ग्यारह 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 दस 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 आठ दस नौ। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, फिर आप चौथे लाइन पे आ जाइए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंजाब निकलेगा देखिए नौ तेरह तेरह, नौ में आपको फूकना है, फिर तेरह तेरह में आपको फूकना है, यानी कि सा प प आपको बजाना है। सिंधु निकलेगा तेरह तेरह, तेरह में आपको दो बार फूकना है, यानी कि प प आपको बजाना है। गुजरात निकलेगा तेरह नंबर होल में आपको दो बार फूकना है, तेरह तेरह, यानी कि प प। ठीक है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा निकलेगा, मराठा आपको तेरह तेरह होल में दो बार फूकना है, फिर चौदह और पंद्रह में आपको खींचना है। ठीक है, तो तेरह तेरह चौदह पंद्रह फूकना है दो बार तेरह में, और फिर खींचना है चौदह और पंद्रह में, तब मराठा निकल जाएगा। यानी कि सरगम में अगर आप बजाना चाहते हैं तो प प ध म आपको बजाना है, प प ध म से मराठा निकलेगा। मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है, फिर से सुनिए। ठीक है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये जब लाइन कंप्लीट हो जाए तब आप पांचवें नंबर लाइन पे आइए। द्राविड़ उत्कल बंग, द्राविड़ उत्कल बंग। ठीक है, द्राविड़ उत्कल बंग कैसे मैंने बजाया, द्राविड़ निकलेगा देख लीजिए बारह बारह बारह, तीनों में आपको खींचना है, यानी कि म म म आपको बजाना है तीन बार। उत्कल निकलेगा बारह बारह ग्यारह, बारह में आपको खींचना है, बारह में खींचना है, ग्यारह में फूकना है, यानी कि म म, यहाँ देखिए अगर सरगम में बजाना चाहते हैं तो म म ग आपको बजाना है। ठीक, द्राविड़ उत्कल बंग, बंग निकलेगा रे म ग से, यानी कि दस बारह ग्यारह। ठीक है, ये हो गया पांचवा लाइन। छठा लाइन, विंध हिमाचल यमुना गंगा, मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है, विंध्य ग्यारह ग्यारह, यानी कि ग ग जहां से आप बजाते हैं दो बार फूकना है ग्यारह ग्यारह में। हिमाचल निकलेगा ग्यारह ग्यारह दस आपको बजाना है, ग्यारह नंबर होल में दो बार बजाना है, फूकना है, और फिर दस में आपको देखिए यहां पे खींचना है, यानी कि ग ग रे आपको बजाना है, हिमाचल ग ग रे। यमुना ग प म सरगम में अगर आप बजाना चाहते हैं, या फिर ग्यारह तेरह बारह, ग्यारह तेरह बारह। ठीक है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा कैसे निकलेगा, गंगा निकलेगा बारह में आपको दो बार फूकना है, यानी कि म म बजाना है। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूं। विंध हिमाचल यमुना गंगा ग्यारह ग्यारह, ग्यारह ग्यारह दस, ग्यारह तेरह बारह, बारह बारह। ठीक है, और लास्ट लाइन सात नंबर लाइन आज के लेसन का, उच्छल जलधि तरंग। उच्छल निकलेगा ग्यारह 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 में आपको तीन बार फूकना है, मैंने लिख दिया है पी पी पी, ग्यारह में तीन बार आपको फूकना है ग्यारह नंबर होल में, यानी कि ग ग ग आपको बजाना है। जलधि दस 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 तीन में आपको तीन तीन बार दस नंबर होल में खींचना है,
यानी कि रे 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 तीन बार आपको बजाना है, तरंग आपको चार होल यूज करना है, 10, 8, 10, 9, 10 में आपको खींचना है, 8 में खींचना है, फिर आपको 10 में आके खींचना है, फिर 9 में फूकना है, यानी कि रे माइनस नी लोअर ऑक्टेव का नी बजाना है और फिर रे सा, रे नी रे सा बजाने से आपका जल्दी तरंगा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 लाइन जो आज के लिए वीडियो के लिए मैंने बनाया है, और बाकी जो लाइन्स है फ्रेंड्स मैं आपको अगले लेसन में इसको जरूर दे दूंगा ताकि आप ये नेशनल एंथम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, एक एक लाइन आप प्रैक्टिस कीजिए, पहला लाइन हो जाए फिर सेकंड लाइन में आइए, थर्ड लाइन हो जाए, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, फिर सेवन लाइन, आप फिर प्रैक्टिस कीजिए, एक दो दिन बाद मैं आपको बाकी लाइन्स भी दे दूंगा। मैं आपको पूरा एक बार 7 लाइन आज मैंने जो आपको सिखाया है आपको बजा के सुना देता हूँ। आज मैंने आपको ये 7 लाइन पहला 7 लाइन सिखाया फ्रेंड्स, अगले लेसन में आपको सिखाऊंगा। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, आपको कुछ भी पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। मेरे इस चैनल को आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं लेसन आता हूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ में प्ले बने, खुश रहें। टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय।